मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ये अभियान शुरू हुआ है हमारे करीब 1150 करीब कालाबाजारी की सूचनाओं पर रेड किया है लोगों ने। हमारे डायल 112 पर भी लगातार फोन आ रहे हैं और तमाम और भी जगह पे जो फोन आ रहे हैं। अभी हमारे डीजी महोदय ने सभी थानाध्यक्षों को भी इसका इंचार्ज देना है, एक मिशन हौसला बनाया जिसमें कि डीएम के साथ वो सामंजस्य करके जनपदों में ऑक्सीजन के और बाकी और चीजों की सुविधाएं को वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि चालानों की जो स्थिति हो रही है पहले की तुलना में, आप जरूर कहना चाहते हैं कि चालान थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज कर्फ्यू थोड़े स्ट्रिक्ट थोड़े आवश्यक भी थे, लोग अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे थे और मैं मानता हूं कि ये मैसेज आपके माध्यम से उनको जाएगा कि कर्फ्यू को तोड़ने में हल्के में नहीं लिया जाएगा, तो ये मैसेज ही काफी है। उसके बाद अपने आप से पुलिस जो है वो थोड़ी सी लाइटर होगी जब देखेगी कि माहौल थोड़ा नॉर्मल हो गया, बिकॉज अभी भी स्थिति ऐसी है कि बहुत ज्यादा लोग कर्फ्यू के नियमों को तोड़ रहे हैं। क्योंकि ये कोविड 2 को हम दूसरे माहौल में देखें, आप खुद देख रहे हो पुलिस के लोग जो है वो ज्यादा, उनकी प्राथमिकताएं थोड़ी सी बदली हैं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत पैंडेमिक अपना एक दूसरा रूप ले चुका है, तो अभी इंडिविजुअली लोगों तक जाना, उनके पास सुविधाएं पहुंचाना, किसी तरह से कर्फ्यू को इम्पोज करना, बिकॉज अब वो फेज नहीं रहा कि एक दो आदमी आ रहा है वो हजार को इन्फेक्ट कर रहा, काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है। तो प्रयास जो है, मैं ये नहीं कहूँ कि वो प्राथमिकता नहीं है, लेकिन अब उससे अधिक और भी कार्य हो गए हैं, तो इसलिए उनको भी देखा जा रहा है। अभी तक टोटल अगर आप पूछे तो अभी तक हमारे 22 FIR हो चुकी थी जिसमें 33 अक्यूज बंद हुए हैं और 194 रिकवरी है। इसमें हम लोगों ने जो ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े गए हमारे, वो वापस हमने सिस्टम में वापस कर दिया।